एक्सआई न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आज के दिन ट्रेलर लॉन्च का मौका था, वो भी फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जहां पर बीते दिन इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है। तो ट्रेलर ने तहलका सोशल मीडिया पर मचा दिया है, क्योंकि ये फिल्म थोड़ी पॉलिटिकल फिल्म है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर इस फिल्म के पूरे इर्द-गिर्द इस पूरी कहानी को दिखाया गया, जहां पर पीएम, हमारे एक्स पीएम यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी को दिखाया गया। तो यहाँ पर फैंस की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में यहाँ पर जहां पर ट्रेलर लॉन्च का मौका था, तो यहाँ पर पूरी स्टार कास्ट को देखा गया। वहीं पूरी स्टार कास्ट को जहां पर देखा गया, तो अनुपम खेर यहाँ पर मीडिया वालों का ही मजाक बनाते देखे। जी हाँ, आप यहाँ पर देखेंगे जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल करना शुरू किया, तब यहाँ पर अनुपम खेर ने मीडिया वालों का मजाक बनाया। क्या कुछ वो यहाँ पर कह रहे हैं, आप देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। हाल ही में ट्रेलर लॉन्च रखा गया द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का। जी हाँ, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का किरदार निभा रहे हैं अनुपम खेर और अक्षय खन्ना भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, तब से देखा जा रहा है कि ये फिल्म चर्चों का कारण बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी को दिखाया गया है, पूरी कांग्रेस पार्टी को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सोनिया गांधी का किरदार भी बॉलीवुड की तरफ से एक एक्ट्रेस निभाती देखी जा रही है। जहां पर इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, तो वहीं ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अनुपम ने तमाम चीजों का जिक्र किया, तो वहीं यहां पर उन्होंने जम के मीडिया का मजाक बनाया। अब हम यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अनुपम खेर अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, और जहां पर उनके डायरेक्टर मीडिया के सवालों से डर रहे हैं, तो वो उनको संभालते भी देखे गए हैं। क्या कुछ रहा आप देखिए हमारे इस वीडियो में। सर, मेरा नाम किशन है सर, और मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आपने प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया है, तो आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर्स रहते हैं उनको किस विषय में फोकस करना चाहिए? जॉब्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, वेमेन सेफ्टी, या गाय, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, किस में उन्हें? मुझसे पूछिए नौ रस में कौन सी भंगिमाएं मुझे दिखानी चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे क्या पता भैया, अकॉर्डिंग टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको किस में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा फोकस करना चाहिए? रिलैक्स बेटा, तेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी 50वीं है, ठीक है? डर मत, पूछने दो ना, अपना अपना तरीका। वो अपना एंगल ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई डिफरेंट खबर क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया लेकर आऊं कि फिर वो ले, अनुपम खेर ने दिया करारा जवाब। सर यूट्यूब कैप्शन, मेरे पास बेटा कोई करारा जवाब नहीं है। जो जो अपनी अपनी कुर्सी पर है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। मेरा बच्चा शेर है कि रिंदे खराब हाल को जाहिद ना छेड़कू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। आदमी सीखता है ना धीरे धीरे, जब आदमी बहुत बोलता है फिर धीरे तब बोलता है कि चुप रहो यार, जो चल रहा है चलने दो, अपना काम करो, एक्टिंग करो बाहर जाके विदेश में। मजा आएगा, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। मैं विजय के बारे में बोलना चाह रहा था, ये ट्रेलर चल रहा था और ये मैसेज कर रहा था कुछ, तो आई गॉट वेरी इरिटेटेड। आई सेड मैसेज किसको कर रहे हो इस समय, ट्रेलर चल रहा है? कहते नहीं, वो वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करवा रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ पीछे। मैंने कहा अब हमारे हाथ से फिल्म निकल चुकी है, इसका भविष्य जो है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग दैट पोलिटिकल फिल्म्स आर बीइंग मेड, बायोपिक्स आर बीइंग मेड, एक्टर्स आर गेटिंग लॉट ऑफ चांसेस। वरना जैसा इन्होंने कहा कि ये अब एक्टर का जमाना है, स्टार्स तो हैं ही हैं, भगवान उनको और लंबी उम्र दे और लंबा काम दे, मगर दिस इज इफ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू डिलीवर, दैट्स मच इज इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपने कहा, देश में जिसे जो मर्जी होता है वो बोल जाता है, या फिर सभी को बात करने की यहाँ पर पूरी आज़ादी है, बट हाल ही में हमने देखा था जैसे नशीरुद्दीन शाह ने बात की और उस पर आपने जवाब दिया। नशीरुद्दीन शाह का जवाब आया है और उन्होंने कहा है, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या अनुपम खेर ने जो कहा है उससे आप दोनों के ख्यालात मिलते हैं, तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम दोनों के ख्यालात बिल्कुल अलग हैं, और दूसरा पूछा गया कि वो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, क्या आप उनसे संवाद साधेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि ही डजंट टॉक रीजनेबली। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे सीनियर हैं, उनको पूरा हक है, दैट्स हिज इंटरप्रिटेशन, आई लव हिम फॉर हिम। मुझे तो एक ही विजुअल याद है इस शहर में,
कि हम दोनों वो मेरे से पहले आए थे और एस्टेब्लिश हो गए थे, पर जब मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी, मेरे को पहली एक ही गाड़ी का नंबर याद है जो पहली गाड़ी थी, क्योंकि उससे पहले मेरा मेरे पास साइकिल थी ना, मोटरसाइकिल थी ना कुछ था, MAP 5068 महबूब स्टूडियो के पास मेरी गाड़ी क्रॉस हुई और उनकी गाड़ी क्रॉस हुई, और उन्होंने मुझे देख के कहा ये कि तूने भी गाड़ी खरीद ली। आई थिंक आई फॉर मी दैट मोमेंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है एक दूसरे को, उनको भी हक है कि नहीं है मेरे विचारों से सहमत होना, बट आई थिंक आई लव हिम एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एक्टर एंड माई सीनियर। आई डोंट वॉन्ट टू मेक, इफ़ आई हैव टू से एनी थिंग टू हिम, आई पिक अप द फोन और गो टू हिज हाउस एंड से कि आओ झगड़ा कर लेते हैं यार, गले लग जाते हैं। बट इसकी बात पॉलिटिक मैं थ्रू प्रेस इसको नहीं बात करना चाहूँगा। अनुपम जी, दिस इज अक्षत त्यागी फ्रॉम अमर उजाला। पहलाज नीलानी जी ने कहा था कि आपको इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए मनमोहन सिंह जी से और राहुल गांधी जी से, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? और आप खुद भी CBFC के चेयरपर्सन थे, तो क्या लगता है आपको कि दर्शकों का इस पर इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? और क्या आपको क्या लगा इस ट्रेलर देख के, बताओ सच्ची, बताना तुमको अपनी मम्मी की कसम है, सच्ची बताओ क्या लगा? मैं बाद में बताऊंगा, मैं लिख के बताऊंगा, बाद में आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी लिख के जवाब दे दूंगा। कैसा लगा? अरे क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, किसी ने आज पहले उनका सवाल ले लें जिन्होंने ट्रेलर देखा है। नहीं क्यों, पर क्यों, पर ट्रेलर में आप लेट क्यों हो गई पहले ये बताइए। नहीं लेट क्यों हैं आप ट्रेलर में, नहीं पहले बताओ। नहीं मैं क्यों आपके सवाल का, नहीं आप ट्रेलर में लेट आई हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, आपने हमारा ट्रेलर नहीं देखा, हमने हमने 1.5 साल से मेहनत की है, आप 15 मिनट लेट आई हैं हमारे, और फिर कह रही हैं सवाल भी आपके जवाब दूँ, ऐसा कैसे हो? ऐसे नहीं होता ना, मेरे चेहरे पे थोड़ा लिखा है। अनुपम जी, अनुपम जी, यस हाँ जी, दसो जी क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मुबारक, आई लाइक इट वेरी मच, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अच्छा, किसी फिल्म के अंदर जब कोई किरदार निभाता है, कैरेक्टर के अंदर आने से पहले और उसके अंदर बाहर निकलने के लिए एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बारे में जरा बताना चाहेंगे? थैंक यू जी पन्नू साहब, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई थिंक वॉट केम अक्रॉस बिटवीन, दिस इज अ लव स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी बिटवीन संजय बारू एंड मनमोहन सिंह, दिस इज द फिल्म। Once you see the film, this is what will come across. Our relationship, that means Sanjay Baru's and Manmohan Singh Ji's relationship, is the film. Rest of is it that ab Titanic ke against wo love story bani thi, ya Pearl Harbor ke against love story bani thi. This is a us prishthbhumi mein 2004 se lekar 2014 ke beech mein Sanjay Baru, jo unke media advisor the, unki aur Prime Minister ki kahani hai ye. Basically, and I think what we did was, we, as I said, we lived in a secluded place, bahut dur London, England mein. We bonded. I think main Akshay ke sath bahut do to film mein ki hain, but jo pyar is puri film mein inke prati mere man mein jaga hai, wo agar koi aur film karte to shayad nahi jagta. The mutual understanding, the mutual love, the relationship that we three will share for the rest of our lives, whatever the fate of our careers or our life will be, I think that will, the credit for that goes to this film. It was a difficult film, and jaise jaise film ki nazdeek aati jayegi pura process bataunga. Maine to record bhi kiya sara, kaise taiyari ki hai, first step kya thi, pehle aawaz mein kaise baat hoti thi, lekin phir mujhe aisa laga जैसे देश में जो प्लेयर की बात हो रही है वो हमको यहाँ करनी चाहिए या नहीं। आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच आर पॉलिटिकली बीइंग आस्क्ड। आई थिंक व्हाट वी शुड टॉक अबाउट इज द ब्रिलियंस एंड द हार्ड वर्क दैट वी हैव गॉन इनटू व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच। Next question. Yeah, hello. Aarti ji aa gayi hain. Haan ji. Here I am. Actually, this is for you. Did I know you were told not to look like Sanjay Baru, but for this romantic film, did you meet Sanjay Baru?
I haven't met him as yet. Vijay didn't want me to meet him at all. He was very clear on that. He had his own very specific vision of what he wanted me to do. And you'll see that in the film. Have you read the book? यकीनन आपने यहाँ पर देखा होगा कि कितने मजाकिया अंदाज में यहाँ पर अनुपम खेर मीडिया वालों का मजाक बनाते देखे गए। कहीं ना कहीं उनका टारगेट फुल टू मीडिया रही और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि वो ट्रेलर लॉन्च के मौके पर काफी सोच समझ के चीजों को कह रहे थे। उनका भी कहना है कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो, मगर जिस हिसाब से फिल्म है और आपने यकीनन ट्रेलर देखा होगा तो फिल्म थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। अब देखना होगा जहां पर 11 जनवरी को ये फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई जाएगी तो क्या फैंस के दिलों में ये फिल्म अपनी जगह को बना पाएगी, क्या फैंस के दिलों में अनुपम खेर की एक्टिंग की तारीफ होगी, ये आने वाले दिन जरूर बताएंगे। और जिस तरह से यहाँ पर 2018 का ये साल अब खत्म होने वाला है तो देखा जा रहा है कि 2019 में काफी बड़ी फिल्में बॉलीवुड में दस्तक देंगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। We'll be right back.